पूरी कलंक की टीम आई ली, जोरदार ताली हो जाए। क्या यार वरुण, वरुण इतना बड़ा स्टार, इधर पूरी कास्ट सुपरस्टार, इनकी फैमिली सुपरस्टार। आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं कि सब फर्स्ट क्लास है, हम लोग से पूछो थर्ड क्लास लोगों से। अरे कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है इधर, सोनाक्षी तो समझती है। क्या? शूटिंग पर आओ इधर, सैटरडे संडे का कंटेंट बनाओ। चैनल का अलग प्रॉब्लम, स्पॉन्सर का अलग प्रॉब्लम। इधर आओ, पहले लड़के से लड़की बनो। नहीं मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ। सब फर्स्ट क्लास है। मैं तो इसको देख के बहुत खुश हुई वरुण को, मालूम है। मैं डेविड साहब को बोली थी कि वरुण का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उन्होंने नहीं दिया, लग गया ना कलंक। अबे उनकी फिल्म आ रही है कलंक। हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रही है, बात बना रही है, बीच में टोकना मत मेरे को। अगर ज्यादा टोका ना और मेरी कॉमेडी नहीं निकली, हम लोग को कलंक लग जाएगा। इधर बता रही है पहले। इधर बैठो सपना। हाँ मैम बैठेगी। अरे आदित्य कैसे हैं आप? कैसे? फर्स्ट क्लास। दो दो सरनेम वाले हीरो है जी। रॉय और कपूर, बड़े लोग। मेरे को अमीर लड़के बहुत पसंद है। अच्छा। मैं सच्ची बता, इनका नाम भी कैसे अमीर लोग का रहता है ना, बड़ा। आदित्य रॉय कपूर। हम देखो गरीब लोग, सपना लाल। मैं सच्ची बोलते, मेरे को अपना रॉय दे दो रॉय और मेरा लाल ले लो ना। सच्ची में आपका कपूर लाल भी अच्छा लगेगा। आदित्य लाल कपूर। हाँ आपको बता, इनकी पिक्चर आई थी ना आईसी की। हाँ। उसमें मैं भी थी। कहाँ? तू कहाँ थी? अरे वो सीन था ना, वैसे सब बैठ के सब लोग दारू पी रहे। हाँ तो हीरो तुम कहाँ थी उसमें? मैं तो बर्फ लेने गई थी ना। आलिया सोच रही कैसी भंकस वाली बातें कर रही है। खैर आलिया के लिए जोरदार तालियां। आलिया मैं सच्ची में आपसे एक सीरियस सवाल है मेरा। फिल्में तो आप करती हैं अभी, तो इलेक्शन आ रहे हैं अभी, आप इलेक्शन नहीं लड़ रही? क्यों? वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगी भी? अरे इनका टू स्टेट्स है ना इनका। अरे तो जिसका खुद का टू स्टेट्स रहता है वो तो इलेक्शन लड़ ही सकता है। मैं आपको सच्ची बता रही, अगर सिद्धू जी रहते ना तो मैं आपको टिकट दिलवाई देती। हालांकि मैं आपको टिकट अर्चना जी से भी दिलवा सकती है, लेकिन बस की टिकट आप क्या करेंगे? है कि नहीं? वरुण मैं क्या बोलती है, मतलब आप अभी जैसे हीरो बन गए, डैडी भी डायरेक्टर है, रोहित भी डायरेक्टर है भाई आपका, तो ये तीसरा भाई क्रिकेटर क्यों बन गया? तीसरा कौन? शिखर धवन। अरे वो अलग है, वो भाई थोड़ी ना। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मेरे को लगा मार्केट में जितने धवन घूम रहे सब डेविड जी के। लोग अपने घर पे हवन करते हैं, डेविड जी ने अपने घर पे धवन की लिए। लेकिन सच्ची में कप्पू मालूम है, डेविड जी ऐसे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी एक नंबर का काम किया। एक नंबर मतलब कैसे? मतलब हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन, शादी नंबर वन। लेकिन बेटे की बारी आई तो दो नंबर का काम किए वो। दो नंबर का कौन सा? जुड़वा टू। वरुण मैं एक चीज बोलने का था, आप इतना अच्छे डांसर है। हाँ जी। मैं भी बहुत अच्छी डांसर है। बहुत बहुत। तो क्या करें मतलब? तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। नहीं ये क्यों देंगे तुम्हें 1 करोड़ रुपया? क्योंकि मैं इनको नहीं दे सकती, तो इन्हीं से मांगेगी ना मैं 1 करोड़ रुपया। चल भाग यहाँ से, बढ़िया 1 करोड़। मेरे से तमीज से बात करना कप्पू, मैं बता रही मैम। अगर मैं ज्यादा भड़क गई ना, मैं आलिया के साथ चली जाएगी, मैं बता रही इधर। अच्छा तो वो तुझे ले जाएगी? हाँ वो राजी है। अच्छा मेरे एक सवाल था। आराम से आराम से आराम से। ये भट्ट साहब ने पहले सड़क बनाए जी, और फिर उसके बाद अभी सड़क 2 बना रहे जी, फिर फुटपाथ बनाए। हाँ, आपने हाईवे में काम किया। तो आप लोग का प्रोडक्शन हाउस है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आलिया। खैर आलिया हाँ। आप नाला सोपारा चलो ना, मेरे को आप लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? पता क्या, मैं ऐसा सुबह निकलती है ना घर से आलिया, तो ऐसे सड़क पे निकलो, सब्जी वब्जी खरीदो, लड़के लोग बहुत छेड़ते हैं मेरे को अपना वट दिखाते हैं, तो मैं इनको ले जाकर उनको भट्ट दिखाएगी।
अच्छा खैर मैं तो बोल रही थी वरुण आएगा तो मैं मसाज करेंगी उनको, आदित्य को मसाज निकाल रही है ना, मैं इधर ऐसा करे तो मतलब मसाज है, डेंजर मसाज है। हमारे मसाज का ये मेन्यू है, अच्छा अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा हमारे यहाँ धवन मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर शिखर धवन आता है, अच्छा और फिर वो अपने बल्ले पे तेल लगा के मसाज करते हैं, ऐसा रहता है। फिर देन वी हैव भट्ट मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या है, हम कस्टमर को भट्ट से लिटाते हैं और झट से तेल लगा के झट भट्ट मसाज करते हैं। अच्छा सोनाक्षी नहीं, डर गई। हमारा वो राजी मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? इसमें पहले हम कस्टमर को तेल लगा के राजी करते हैं, फिर बाद में मसाज आके पाजी करते हैं। फिर हमारा सुई धागा मसाज वरुण बहुत अच्छा। वो चुभता होगा ना सर? वो पहले क्या, उसको धागे से बांध दो, फिर उसको हम लोग सुई चुभाते हैं। कस्टमर उई उई करते हैं, हम लोग सुई सुई करते हैं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा भी, हम लोग शुगर टेस्ट भी कर लेते हैं उसमें ऐसा। तो अभी कौन सा मसाज करने का आपको सपना? क्या है ना, मैं आपको आज मसाज देता हूँ। हाँ आज मैं मसाज देता हूँ आपको ना। आप में नाला सोपाड़ा वाला मसाज मैं देता हूँ तेरे को। नाला सोपाड़ा में कैसा मसाज रहेगा वो? पहले सोपाड़ा कर दूंगा तेरा, फिर तू ऐसे दिखेगी जैसे तू नाले से निकली। मेरा थोड़ा सामान है। हाँ मैं सामान भाजी वो बुला लो ना, सब मसाज का सामान लेके आओ तेरा। Look at that! अरे वाह! Stop! तू केचप केचप है? ये क्या है मसाज में? ये कपिल क्या पूरा इंतजाम खेला है इसने? सपना तू बैठ जाना इधर, बसा बसा तुम्हें। अच्छा? आज सपना तू गई। बसा बसा। बाकी लोगों को बोलती है मसाज देती हूँ, किसी को नहीं। आज खुद इसकी करो जरा मसाज। तो पहले तो मैं सबको बोल दूं कि ये जो मसाज होने जा रहा है ये मसाज नहीं, ये इश्क है। जैसे हमारी पिक्चर का गाना है कलंक नहीं, ये इश्क है काजल पिया। अच्छा। तो सपना आप पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स कर दो। रिलैक्स नहीं, इतना ना नहीं, बस इतना रिलैक्स। अब मेरे हाथ के वाइब्रेशन को फील कर रहे हो आप सपना? तो कैसे लग रहा है? बहुत एकदम धवन धवन लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना तेरे को सपना? माइंड ब्लोइंग। कैसा लग रहा है सपना? अभी तेरे को ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा ना सपना? ठंडा ठंडा कूल कूल वाला लव लग रहा है मेरे को। हाँ इस वाला लग, इस वाला लव, अभी तेल वाला लव ले, तेल वाला, ये तेल है। अंदर से क्या आवाजें निकली है सपना? माइंड ब्लोइंग। छह दिन तक नहाएगी तब भी नहीं निकलेगा। सपना थोड़ा सा तेरे त्वचा के लिए मैं कुछ ले गया हूँ सपना। हेलो हेलो, हाँ डेविड साहब। हाँ आपकी बहू ने वरुण के साथ खानदान की पहली होली खेल ली है। नहीं अभी कोई टेंशन नहीं, अभी पूरी जिंदगी आप और मैं मिलके धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे, धवन करेंगे। सपना माइंड ब्लोइंग। मैं तेरे साथ इतने एपिसोड की कब से लगी हुई है, आज पहली बार गले मिलना चाहती थी। Okay.